सतनाम वाहे गुरु जी। किस तरह एक बाप ने अपने बेटे को पैसों की असली कीमत समझाई, आज की कहानी में दर्शाया गया है। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, राजू लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी भट्टी चलाते थे, जिसमें वे दूध को पका कर खोया बनाने का काम करते थे। राजू वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने राजू को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी? कौन सा? मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ, चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ, राजू नाराज होते हुए बोला। राजू की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने और फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज़ लेकर दे दिया करो। राजू मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन राजू जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर राजू जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये, और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? राजू ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए, फिर चाहे मैं जो भी करूं। राजू ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांगकर दे दिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और पिताजी उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब कोई उसे पैसे देने से मना करने लगे। राजू को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपये भी न देने पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा, जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींच जाने वाले रिक्शा से कहीं लेकर जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूँगा, राजू ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फौरन तैयार हो गया। राजू रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उसे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए और पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में ज़िंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपये थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया।
रुकिए पिताजी, राजू पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और राजू ने पूरा किस्सा कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले लगा लिया, फिर कहा, देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आगे में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के, कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। राजू पिताजी की बात समझ चुका था, उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। आज वो एक रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। इस तरह राजू ने एक अच्छा सबक सीखा। इस तरह इस कहानी में हमने देखा कि हम बच्चों को किस तरह अच्छे संस्कार दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप सभी को भी पसंद आई होगी, जिसे आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सतनाम वाहेगुरु जी।